हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर यादवेंद्र सिंह हूं। अमनदीप मेडिसिटी हॉस्पिटल अमृतसर में एज ए चीफ इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट काम कर रहा हूं। इस मंथ 29 सितंबर को WHO वर्ल्ड हार्ट डे मना रहा है, जिसका मेन मकसद है इस सोसाइटी में अवेयरनेस फैलाना कार्डिक डिजीज के बारे में, प्रिवेंशन करना उनका और मैनेजमेंट करना। इसी मोटो को ध्यान में रखते हुए आज मैं आपके सामने हूं और मुझे लगता है कि हमें इस टॉपिक पे बात करनी चाहिए जो कि आजकल काफी प्रेवलेंट है, यंग हार्ट अटैक इन द यंग इंडिया। आजकल हम देख रहे हैं सोसाइटी में काफी यंग पॉपुलेशन हार्ट अटैक से अफेक्ट हो रही है। स्टैटिस्टिकली बात करें, डाटा की बात करें, तो इंडिया में हार्ट अटैक वेस्टर्न पॉपुलेशन के मुकाबले में एक डिकेड पहले हो रहे हैं। और रेट की बात करें या प्रिवलेंस की बात करें, तो वेस्टर्न पॉपुलेशन में अगर 5% यंग पॉपुलेशन इन्वॉल्व हो रही है, तो इंडिया में 12-15% यंग हार्ट अटैक्स हो रहे हैं, जो कि काफी ज्यादा है। इसकी वजह क्या है या यंग पॉपुलेशन ओल्डर पॉपुलेशन से डिफरेंट क्यों है और इसको कैसे बचाव कर सकते हैं, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। बेसिकली हार्ट मसल्स का बना होता है, जिसको 3 वेसल्स ब्लड सप्लाई करती हैं। जब भी इन ब्लड वेसल्स में क्लॉट आता है, जो कि अचानक भी आ सकता है, उससे उसको सप्लाई रुक जाती है मसल्स को, और इसे हम हार्ट अटैक कहते हैं। यंग इंडिया के अंदर जो इतने ज्यादा केसेस आ रहे हैं, यंग पॉपुलेशन जो अफेक्ट हो रही है, उसके रिस्क फैक्टर ओल्डर पॉपुलेशन की बात करें तो चाहे हम डायबिटीज की बात कर लें, डायबिटीज इज ए वेरी इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर, या हाइपरटेंशन, या हाई लिपिड प्रोफाइल या कोलेस्ट्रॉल लेवल्स, ये तो है ही, लेकिन ओल्डर पॉपुलेशन की मुकाबले में जो स्ट्रेस यंग पॉपुलेशन में है या सेडेंट्री लाइफस्टाइल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर है। इसके अलावा स्मोकिंग है, ये भी एक रिस्क फैक्टर है। जो युवा लोग हैं या यंग पॉपुलेशन है, वो ओल्डर पॉपुलेशन के कंपैरिजन में अलग कैसे है? नंबर वन इज साइकोलॉजी। युवा को लगता है, यंग को लगता है कि नहीं, अभी तो मैं 35 ईयर ओल्ड हूँ, अभी मेरे जो सिम्टम आ रहे हैं वो हार्ट अटैक है तो हो ही नहीं सकते, और वो गैस्ट्राइटिस सोच के, गैस की प्रॉब्लम सोच के, या कई बार सर्वाइकल सोच के वो इग्नोर करता है। तो ये जो डिनाइल मोड है, उससे हमें बाहर आना चाहिए, वो डिनाइल मोड में नहीं रहना चाहिए। तो एक तो डिफरेंस ये है कि यंग पॉपुलेशन थोड़ी सी डिनाइल मोड पे रहती है कि नहीं, इस एज में तो हार्ट अटैक हो ही नहीं सकता, तो ये नहीं होना चाहिए। सेकंड डिफरेंस है, अगर हम स्ट्रेस की बात करें, जो कि ज़्यादा है ओल्डर पॉपुलेशन के मुकाबले रिस्क फैक्टर में, कोलेस्ट्रॉल, हाई लेवल ऑफ कोलेस्ट्रॉल, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, ये ट्रेडिशनल रिस्क फैक्टर्स हैं। इनके अलावा स्मोकिंग, स्ट्रेस और लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, ये इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर है जिनकी वजह से यंग पॉपुलेशन इन्वॉल्व हो रही है। दूसरा डिफरेंस है ओल्डर पॉपुलेशन के मुकाबले, जब भी यंग पेशेंट में हार्ट अटैक आता है तो उसके वार्निंग साइंस बहुत कम होते हैं। कारण कि ओल्ड एज में ब्लॉकेजेस धीरे धीरे डेवलप होती हैं, तो बॉडी को एडजस्ट होने का टाइम मिल जाता है, और कुछ एक ऐसे कोलेटरल्स डेवलप हो जाते हैं जिनकी वजह से जनरली वार्निंग साइन आते हैं, लेकिन कम आते हैं, और अगर आते हैं तो धीरे धीरे डेवलप होकर उसके बाद में हार्ट अटैक आता है। लेकिन उसके अंदर डेफिनेटली ओल्डर पॉपुलेशन में वार्निंग साइंस होते हैं, क्योंकि ब्लॉकेजेस धीरे धीरे डेवलप होती हैं। लेकिन यंग पॉपुलेशन में जब तीनों वेसल्स नॉर्मल हैं और अचानक से क्लॉट बनेगा, तो कई बार वार्निंग साइन नहीं आते, और जब भी आता है हार्ट अटैक इन यंग पॉपुलेशन, वो जो हम प्रैक्टिस में देख रहे हैं वो ज़्यादा सीवियर आता है देन ओल्डर पॉपुलेशन। उसकी वजह भी सेम ही है कि जब ब्लॉकेज धीरे धीरे डेवलप होते हैं तो बॉडी एडजस्ट हो जाती है, तो हार्ट अटैक जो आता है वो उतना सीवियर कई बार नहीं आता। लेकिन क्योंकि यंग पॉपुलेशन में सडन अटैक आता है और पहले के कोई भी ब्लॉकेजेस नहीं होती, तो उस वजह से हार्ट अटैक सीवियर होता है और कई बार ये लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन में भी चला जाता है। सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट जो मैं आज डिस्कस करना चाहता हूँ, दैट इज प्रिवेंशन। प्रिवेंशन में अगेन कम आउट ऑफ द डिनाइल मोड। सबसे इम्पोर्टेंट तो ये है कि हमें एक्सेप्टेंस होनी चाहिए कि हमारी सोसाइटी में हार्ट अटैक बढ़ रहे हैं, तो हम किसी भी सिम्टम को लाइटली ना लें, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। सेकेंड, स्ट्रेस। ऑब्वियसली स्ट्रेस जॉब रिलेटेड भी हो सकता है, फाइनेंशियल इश्यूज रिलेटेड भी हो सकता है। कई बार ये भी सिचुएशन है कि हम जॉब नहीं चेंज कर सकते, जॉब का प्रेशर बहुत ज़्यादा है, लेकिन इट डजंट मीन कि हम उस स्ट्रेस को, हमारे हार्ट को अफेक्ट होने दें। तो डेफिनेटली हमें कुछ ना कुछ वेज ढूंढने पड़ेंगे कि हम अपने आप को डी स्ट्रेस कर सकें, चाहे वो योगा है, चाहे मेडिटेशन है। फिजिकल एक्टिविटी इज वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, जो कि हमें डी स्ट्रेस होने में भी हेल्प करेगी। और जो अदर रिस्क फैक्टर्स हैं, चाहे वो कोलेस्ट्रॉल लेवल्स हैं, डायबिटीज़ के लेवल्स हैं, इवन फिजिकल एक्टिविटी ब्लड प्रेशर को कम करने में भी हेल्प करती है। तो शॉर्ट में, डी स्ट्रेस हों, डिनाइल मोड से बाहर आएं और फिजिकल एक्टिविटी करें। अदर देन दैट, स्मोकिंग इज प्रोहिबिटेड। डेफिनेटली प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, क्योंकि एक बार अगर हार्ट अटैक आ जाता है तो जो डैमेज मसल्स को बनता है
वो दोबारा फिर से कई बार नहीं आ पाता और हम चाह के भी बहुत कुछ नहीं कर पाते। तो आई विश यू ऑल द बेस्ट कि आप अपने हेल्थ का ख्याल रखें और इस युवा पॉपुलेशन में एंड एज वेल एज जो एल्डरली पॉपुलेशन है दोनों अपना ख्याल रखें। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।